नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्ण देश न्यूज। श्री गंगानगर जिले के उपखंड क्षेत्र सूरतगढ़ में बृहस्पतिवार को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर महारानी लक्ष्मीबाई टीम द्वारा पुलिस स्टाफ का पुष्प वर्षा कर स्वागत। वहीं दूसरी ओर रामसिंहपुर थाना के गोमवाली क्षेत्र में पुलिस प्रशासन व चिकित्सा विभाग द्वारा की गई है और सख्ती। यह खबर सूरतगढ़ से है, जहां पर राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को हमारी सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों को सूरतगढ़ के महाराणा प्रताप चौक के समीप महारानी लक्ष्मीबाई टीम की उमेश कंवर रेखा राजपूत द्वारा पुष्प बरसा कर सम्मानित किया गया। सूरतगढ़ से कंचन राजपूत के अनुसार इस दौरान उपस्थित जनता मोर्चा दल के संयोजक ओम राजपुरोहित ने हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर ड्यूटी देने वाले पुलिस जवानों प्रशासनिक अधिकारियों की सराहना करते हुए क्षेत्र की जनता से सरकार के आदेशों निर्देशों की पालना कर अपने अपने घरों से बाहर ना निकलने की अपील करते हुए प्रशासन का हर संभव सहयोग करने को कहा गया। इस मौके पर संजय छाबड़ा, राजेश नागपाल, रमा शंकर सिंह, सूर्यवंशी, राजकुमार छाबड़ा, कपिल गुप्ता, अशोक सिंधी, उमा सिंह यादव, ललित सेन, कंचन राजपूत आदि सदस्य मौजूद थे। इस दौरान उक्त सभी स्टाफ को उपहार स्वरूप मिठाई के डिब्बे भी भेंट किए गए। वहीं दूसरी ओर श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते करीब करीब मंडियों, कस्बों, ग्राम पंचायतों में पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाकर नाकेबंदी की गई व गश्त कर इधर उधर से आने वाले वाहनों व जनता से गहनता से पूछताछ की जाकर उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। वैसे दौरान बिना वजह घूमकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों व आम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी दौर में श्री गंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना के गोमवाली क्षेत्र से हमारे प्रतिनिधि भवानी शंकर सोनी के जरिए समाचार प्राप्त हुआ है कि यहां पर पुलिस प्रशासन व चिकित्सा विभाग द्वारा पूरी मुस्तैदी से प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है व इस दौरान जिन वाहन चालकों के पास कोई अनुमति नहीं मिलती उनको आगे ना जाने दिया जाकर वहीं से ही वापस मोड़ा जा रहा है। इस दौरान ब्रिजमोहन चिकित्सा विभाग के सुभाष चंद्र, सुशील बिश्नोई, रामस्वरूप मुरलीधर शर्मा, पवन कुमार द्वारा अपनी ड्यूटी दी गई।